आज हम कटहल की सब्जी बहुत ही इजी तरीका से बनाने का तरीका बताएंगे। बहुत मस्त बनता है। इसे कोई भी प्याज काट के पीसना नहीं पड़ता है, टमाटर को पीसना नहीं पड़ता है। ये आसानी से देखिए कितना मस्त ग्रेवी बनकर तैयार है, बिना टमाटर टमाटर और प्याज पीसे। इसे देखिए लग रहा है बिल्कुल एकदम टेक्सचर लगता है जैसे पीसे हुए हैं, पर नहीं, ये बिना पीसे हुए हम बनाए हैं। देखिए और सीखिएगा, बहुत ईजी तरीका है। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर से करें ताकि हमारे हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए देखिए कटहल को हम इस तरह से पहले काट लिए हैं और बढ़िया से धो लिए हैं। तो कटहल काटते समय अगर हाथ में लस्सा लग जाता है तो उस समय तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे लस्सा नहीं चिपकता है। अभी देखिए पानी लिए हैं, इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल दिए हैं, थोड़ी सा नमक डाल दिए हैं, काली मिर्च पाउडर डाल दिए हैं और थोड़ी सा फ्रेश अदरक को हम इस तरह से बारीक काट कर डाल दिए हैं, ये कटहल को फ्लेवरफुल बनाने के लिए। अब इसमें हम कटहल को डाल दिए हैं और ये देखिए ढक्कन बंद करके इसे हमें गैस पर चढ़ा देना है। अब इसे हमें हाई फ्लेम पर बस दो सीटियां लगानी है, ज़्यादा नहीं, बस दो सीटियां हमें हल्का सा इसे सॉफ्ट करना है। तो देखिए चढ़ा दिए हैं और गैस को हम ऑन कर दिए हैं, बस दो सीटी लगने का इंतज़ार है। तो देखिए एक सीटी आ गया है, एक सीटी लग दो सीटी लग गया था हमारा। अब देखिए ये प्रेशर गिर गया है तो इसे हम निकाल लिए हैं। देखिए अभी बहुत गर्म है तो बहुत भाप आ गया था, इसलिए वीडियो थोड़ा कम बुझा रहा है। देखिए इस तरह से हमारा कटहल सॉफ्ट हो गया हल्का। अब इसे एक छन्नी में हमें छान लेना है। अब देखिए इसे हटा दिए हैं। अब इसके ग्रेवी बनाने के लिए हम सबसे पहले देखिए इस तरह से प्याज काट लिए हैं, तीन मीडियम साइज का है, लहसुन खड़ा है, अदरक को कद्दूकस कर लिए, मिर्ची काट लिए हैं। अब हमें पीसना कुछ भी नहीं है, सारे ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही हमें ग्रेवी तैयार करना है। दो छोटे छोटे साइज़ का टमाटर था उसे काट लिए हैं। अब चलते हैं, सबसे पहले एक पैन चढ़ाएं, आप कुकर में चाहे तो कटहल को फ्राई कर सकते हैं। हम पैन चढ़ा लिए हैं, इसमें फाइल से होता है इसलिए, और इसमें तेल डालकर बढ़िया से गर्म कर कर इसमें हम कटहल को डाल दिए हैं। याद रहे पानी नहीं रहना चाहिए वरना तेल के छींटे उड़ेंगे। अब देखिए हमारा कटहल कितना बढ़िया से कलर में है, बिल्कुल बढ़िया से फ्राई हो चुका है। तो इसे हम ये निकाल लेंगे। तो इस तरह से सारे कटहल को हमें पहले निकाल लेना है। देखिए सारे निकाल लिए हैं। अब हम कुकर में बनाएंगे, तो कुकर देखिए इधर इंडक्शन पे हम चढ़ा दिए हैं। अब कुकर हमारा बढ़िया से गर्म हो गया है तो ये कटहल फ्राई किए हुए तेल जो बचा था वो डाल दिए हैं। थोड़ी सी इसमें हम और तेल डाल देंगे। और ये देखिए मसाले में हम खड़े मसाले लिए हैं, दो इलायची को मुँह खोल लिए हैं, तीन से चार लौंग, काली मिर्च, एक दालचीनी और थोड़ी सी जीरा हम ले लिए हैं, सारे को डाल दिए हैं। अब इसे थोड़ी देर के लिए चटकने देते हैं। उसके बाद ये दो तेज पत्ते डाल दिए हैं और दो खड़े लाल मिर्च डाल देंगे। अब ये देखिए हो गया है। तो लहसुन जो हम खड़े रखे हुए थे, साबुत लहसुन भी हम इसमें डाल दिए हैं। अब इसे थोड़ी देर के लिए हम पकाएंगे, इसे ज़्यादा जलाना नहीं है वरना लहसुन का कड़वा टेस्ट आ जाएगा। इसे हल्का सा एक तरह से पका लेना है। देखिए अब हम प्याज जो काट के रखे हुए थे वो भी डाल देंगे और इसे हम बढ़िया से भून लेंगे। इसे भी हमें ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है वरना प्याज गलेगा नहीं। अब देखिए इस तरह से भून गया है। बस इसी पोजीशन में हमें मसाला के यूज करना है। तो इसमें हल्दी पाउडर डाल दिए हैं एक चम्मच, धनिया पाउडर है, ये थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर है और थोड़ी सी ही हमें तीखी वाली लाल मिर्च डाले हैं और एक चम्मच हम कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे कलर के लिए। अब ये देखिए डाल दिए हैं। अब इसे बढ़िया से हमें मिक्स कर लेना है, ज़्यादा भूनना नहीं है क्योंकि ये पाउडर है, इसमें पानी नहीं मिक्स किए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर जो काट के रखे हुए थे, तो एक टमाटर डाल दिए हैं। इसमें जो हम अदरक कद्दू कर कस के रखे थे वो भी डाल देंगे और ये हरी मिर्च काटे हुए थे वो भी डाल दिए हैं। थोड़ी सी जो धनिया पत्ती थी वो भी डाल देंगे और इस पे हम डाल देंगे नमक। तो नमक अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हैं, हम जितना इसमें डाल चाहे उतना हम डाल लेंगे।
इस समय डालने से क्या होगा कि टमाटर हमारे प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं होने देगा और नमक हमारे टमाटर को बढ़िया से सॉफ्ट कर देगा, इसलिए नमक किसी समय डाल दीजिए। तो देखिए हमारा कितना अच्छा से ये सॉफ्ट होने लगा है। पर इसमें हम पानी डालेंगे, जो कटहर से निकाले थे इसे फेंकेंगे नहीं, ग्रेवी में यूज करेंगे। अब पानी थोड़े इसमें डालकर हमें इसे ढक्कन बंद कर लेना है। हाई फ्लेम पर हमें इसको 2 से 3 सीटियां लगानी है ताकि हमारा प्याज टमाटर सारे मसाले जो है डाले हैं साबुत मसाले जो गल जाए। तो देखिए सीटियां लग चुका है, अब देखिए हटा लिए हैं ढक्कन। अब इस तरह के कलछी लेके हमें इस तरह से इसका मैश कर लेना है। बहुत ही इजीली ये मैश हो जाता है। देखिए कितना अच्छा से हमारा ग्रेवी बनकर तैयार हो गया है। ये बिल्कुल डगर है ना कि पीसा हुआ है। अब गैस को हम ऑन किए हुए हैं, इसी में लगातार चलाते जा रहे हैं, ग्रेवी हमारा गाढ़ी होती जा रही है। अब डाल लिए हैं गरम मसाला पाउडर, थोड़ी सी मीट मसाला। तो मीट मसाला बिल्कुल ये नॉनवेज है नहीं तो ये डाल सकते हैं, ये इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि मटन चिकन में ही डलाएगा, ये डाल सकते हैं आसानी से। अब देखिए थोड़ी देर के लिए भून लिए हैं, आप चाहे तो इसे और भी भून सकते हैं, पर कुकर में कोई बात नहीं है, कम ज़्यादा भून जाएगा तो भी चलेगा। तो ये देखिए कटहल हम जो फ्राई करके रखे थे वो डाल लिए हैं, इसे बढ़िया से हमें मिक्स करके चलाते रहना है। आप बता दें फ्रेंड्स, अगर हमारी रेसिपी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिए ताकि हमारे हर एक वीडियो आपके पास पहुंच सके और वीडियो का आप इंजॉय कर सकें। तो देखिए इस तरह से भून लिए हैं हम, अब पानी इसमें डाल दिए, अपने ग्रेवी के अनुसार पानी डालिए। अब इसे डालकर अब ढक्कन लगा देंगे। 2 लाल मिर्च डाल दिए हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, डालिए या ना डालिए ज़रूरी नहीं है। इसमें हम इससे भी हम 1 सीटी से ज़्यादा नहीं लगाएंगे क्योंकि सारे सॉफ्ट हैं। तो देखिए 1 सीटी आ गया है, सीटी हमारा गिर गया है। अब देखिए ये हमारा बहुत ही टेस्टी कलरफुल हमारे ये कटहल की सब्ज़ी बनकर तैयार है। देखिए कोई बता ही नहीं सकता है कि टमाटर और प्याज का हम पेस्ट नहीं बनाए हैं। देखिए कितना मस्त बना है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगता है और बनाने में भी ईजी, ज़्यादा इधर उधर पीसना है तो उसे भूनना है नहीं करना होता है। ये देखिए कितना मस्त, अरे काट कर दिखाते हैं कितना अच्छा सॉफ्ट हमारा ये कटहल हो गया है। देखिए बहुत ही अच्छे से ये सॉफ्ट हो गया है, देखिए कितना मस्त बना है। अरे न पानी बिल्कुल देखने में ही इतना अच्छा लग रहा है, खुशबू तो इसका मस्त पूछिए, बहुत ही लाजवाब आ रहा है। तो एक बार इस तरह से ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही आसानी से बनता है, पर टेस्ट में तो कोई इसका जवाब ही नहीं है, बहुत ही अच्छा लगता है, मीट का भी फील कर रहा है। तो एक बार ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स में प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हमारा ये बताया हुआ रेसिपी कैसा लगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।